नमस्कार, अविघ्न फूड बुक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू बोंडा। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए बनाने चलते हैं आलू बोंडा। आलू बोंडा बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है ये 250 ग्राम उबले हुए आलू। इन्हें हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। हमारे आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम ये दो हरी मिर्च और थोड़ा सा हरी धनिया ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम मैं हाथों की सहायता से मिक्स कर रही हूँ, इससे अच्छी तरह से हमारा ये मिश्रण तैयार हो जाए। हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। उसको एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी के बॉल भी बनाएंगे। हमारे सारी बॉल बनके तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब एक बाउल लेंगे, उसमें एक कप बेसन डालेंगे, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन। इसको इस तरह से हाथों से मसल के डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाए। चौथाई चम्मच हींग। अब थोड़े से पानी की सहायता से इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है जिससे हमारा घोल पतला ना हो जाए। इसका हमें एक गाढ़ा घोल तैयार करना है। हमें अपना बैटर इस तरह से गाढ़ा बनाना है। हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हमने जो बॉल बनाई हुई थी वो उन बॉलों को हम इसमें डिप करेंगे। और पहले से ही मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें हम इसमें डीप फ्राई कर लेंगे। हमें अपनी बॉल्स को अच्छी तरह से डीप फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। इनको पलट पलट कर सेकना है, चारों तरफ से ये अच्छी तरह से सिक जानी चाहिए। हमारी बॉल अच्छी तरह से सिक चुके हैं, बोंडा सिक चुके हैं। अब इनको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसको टिश्यू लगे हुए पेपर पे निकालेंगे जिससे एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। हमारे बोंडा तैयार है। यदि आपको मेरी बोंडे की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अविघ्न फूड बुक पर शेयर करें। नेक्स्ट रेसिपी के लिए देखते रहें अविघ्न फूड बुक। आप मुझे मेरी फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम भी अविघ्न फूड बुक है।